टू द मैथमेटिक्स विथ एयाज लीपिताफी। आज जो मेरा टॉपिक है डिस्कस करने का वो है लॉगरिथम के 3.6 एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज के मुमूमन हम कुछ क्वेश्चंस आपके लिए करेंगे और कुछ क्वेश्चंस आप खुद करेंगे, लेकिन इसमें मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है डायरेक्ट वेज भी हैं, लेकिन आपने मेथड को फॉलो करते हुए चलना है क्योंकि मेथड्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही इन दिस एक्सरसाइज, क्योंकि लॉगरिथम के रूल्स अप्लाई करके करना है। तो पहला मेरा सवाल है कि फाइंड द लॉगरिथम ऑफ फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉगरिथम, ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन इज 86 and 0, 86 and 0.4 and 5। ठीक है, तो ये मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है इस लॉगरिथम के पहलू का। इसमें कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप लोगों ने इसकी लॉगरिथम फाइंड करनी है बाय इसका वैल्यू। आप मल्टीप्लाई कर दें आंसर आएगा, लेकिन लॉगरिथम से ऐसे नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने सॉल्यूशन करना है, और सॉल्यूशन जैसे ही लिखेंगे हम कहेंगे लेट अबव इज इक्वल्स टू एक्स, इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, तब क्या होगी हमारे पास। हमने सबसे पहले इसे एक्स के इक्वल लिया और एक्स मेरे पास है 86 इंटू द 0.45, और यहाँ पर एक्स के इक्वल लेने के बाद अब सबसे पहले हमने लॉग ऑन बोथ साइड करना है, लॉग ऑन बोथ साइड। जब हम लॉग देंगे तो लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 86 इंटू 0.4 and 5। अब यहाँ पे मेरा एक लॉगरिथम आ गया है। तो अब इधर लॉगरिथम में सबसे यहाँ पर अब मेरे पास ये चीज़ आ गई है, तो सबसे पहले मुझे ये याद रखना चाहिए कि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, और जब मल्टीप्लीकेशन होती है तो हम मल्टीप्लीकेशन के रूल इस्तेमाल करें। लॉग ऑफ ए इंटू द बी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए एंड प्लस लॉग ऑफ बी। जब ये चीज़ होगी तो हमारे पास क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू हर किसी के साथ लॉग अलग से 86 एंड प्लस लॉग ऑफ 0.45। अब यहाँ पर हम सीधे ही लॉगरिथम निकाल लें, तभी भी हमारी मर्जी है, हम सीधा इनके लॉगरिथम्स निकालते हैं। और लॉगरिथम्स निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, हमें कैलकुलेटर की वैल्यूज आनी चाहिए। और लॉग 86 जो है मेरे पास, दैट इज़ नथिंग बट अप्रॉक्सीमेटली हम वैल्यू लेंगे लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1.93 and 44 प्लस, और उसके साथ ही हम लेंगे वैल्यू 0.45, यहाँ पर माइनस 0.3467 होगा यहाँ पर। अब यहाँ हमें क्या करना होगा, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1.9344 एंड माइनस प्लस इनटू माइनस माइनस 3.34 and 67, और ये जो वैल्यू है यहाँ पे कैलकुलेटर का बड़ा इस्तेमाल होगा इस एक्सरसाइज में, मस्ट रिमेंबर। और यहाँ पर 1.9344 से हम अगर 0.3467 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास होगा लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1.58 and 77। तो अब ये वैल्यू आ गई है मेरे पास। तो सबसे पहले हमने अब एक चीज़ और दिमाग में रखनी है, जब लॉग उस तरफ जाता है तो एंटी लॉग बन जाता है, और यहाँ पर एंटी लॉग। अब यहाँ पर बच्चों के पास एक बहुत सारे सवाल होते हैं कि एंटी लॉग होता क्या है। अगर 1.8 and 77, अब एंटी लॉग आप अगर आप कैलकुलेटर में 10 लिखें और उसका बार यानी कि उसके
ये टैब साइन आपके पास होगी, इस टैब लिख के आप 1.5877 लिखें तभी भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर लॉग आपके कैलकुलेटर में प्रेजेंट है तो आपने बासानी उसे करना है, शिफ्ट लगा के लॉग को लगाएंगे तो आपके पास छोटा सा 10 लिखा हुआ आएगा, इसे हम छोटा 10 कहते हैं। तो इसके ऊपर वो पावर लिख दें जो 1.5877 एंड यू वुड गेट द वैल्यू, एंड द वैल्यू इज़ नथिंग बट वैल्यू इज 3.8 and 8.699 और ये आपका क्या हो जाएगा, इट वुड बी योर आंसर। यानी कि हमें एक चीज़ समझ आ गई कि लॉगरिथम का निकालने के तरीके होते हैं, हमने उन तरीकों को इस्तेमाल करके ये चीज़ें निकाल ली। अब चलते हैं इसके एक और क्वेश्चन पर। याद रहे कि बीच के क्वेश्चंस हम आपके लिए लेफ्ट करते जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपने करने होंगे। अब हम कोई क्वेश्चन उठाते हैं कॉपी से, बुक से, और वो देखते हैं कि वो किस फिनोमेना से होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज, और वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है 0.87 एंड डिविजिबल बाय 28.9 एंड 0.785। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें सीधा हमें ये x के इक्वल लेना होगा, x इज इक्वल्स टू 0.87 एंड 28.9, उसी के साथ 0.785। अब सबसे पहले हमने लॉग लेंगे, लॉग ऑफ x ऑन बोथ साइड, तो लॉग 0.87 और उसी के साथ अपॉन 28.9 इंटू 0.785। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि हम देखेंगे कि ऊपर वाले नंबर को नीचे का नंबर डिवाइड कर रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास आए तो हम डिवीजन का फार्मूला लगाते हैं, वो क्या है, लॉग ऑफ ए डिविजिबल बाय बी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए एंड माइनस लॉग ऑफ बी। डिनोमिनेटर वुड टेक लॉग अलग से और उसे हम माइनस बी में देते हैं, तो इट वुड बी लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 0.87 एंड माइनस लॉग ऑफ 28.9 एंड इनटू 0.785। यहाँ पर अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास दिस इज नथिंग इन बट इन द मल्टीप्लीकेशनल फॉर्म है, तो यहाँ पे फिर हमारा मल्टीप्लीकेशन का फार्मूला लगेगा, यानी कि a इंटू द b विच इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ a एंड प्लस लॉग ऑफ b का फार्मूला लगेगा। तो जब हम ये फार्मूला लगाएंगे, आपने अंदाजे से थोड़ा ठीक तरीके से देखना है यहाँ पर, तो लॉग ऑफ 0.87 एंड माइनस मेरे पास यहाँ पर लॉग, ये माइनस पूरी ब्रैकेट से होगी, तो 28.9 एंड देन प्लस ऑफ द फार्मूला एंड लॉग ऑफ 0.8785। अब यहाँ पे एक चीज़ों का थोड़ा ध्यान ये करना है कि जब मेरे पास ऐसी चीज़ होगी तो फिर मुझे क्या करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वाली प्लस ये क्या हो जाएगी, माइनस, और ये कुछ हमारा हिसाब इस तरीके का हो जाएगा। अब हमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल ज़ाहरी बात है करना होगा और इनके वैल्यूज़ लिखने होंगे। तो सबसे पहले मैं लॉग ऑफ 0.87 जब मैंने निकाला तो मेरे पास कुछ वैल्यू यूँ आए हैं, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 0.060 एंड 4,
और फिर माइनस, अब हमने क्या लेना है, लॉग ऑफ 28.9। तो जब हम इसका लेंगे तो मेरे पास होगा 1.4608 और फिर माइनस, जब हम इसका लेंगे तो मेरे पास क्या होगा, लॉग 0.78, तो 7.85, तो इसके बाद मेरा होगा माइनस का 0.105 and 1। अब आपने ध्यान रखना है, अगर मैं यहीं पे ही आपको समझा दूं कि ये माइनस और ये माइनस अगर हम हटाएं तो ये प्लस हो जाएगी, माइनस इनटू द माइनस, तो मेरे पास ये अब रिज़ल्ट आ गई है। अब बड़े आसान से मुझे इन तीनों को कैलकुलेटर में लिखना है एज गिवन साइन। अब उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आए वो मैं लिख दूंगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं मस्ट अंडरस्टैंड, ठीक है बच्चों। अब इन तीनों रिजल्ट्स को हम कंबाइन कर रहे हैं, माइनस 0.0604, उसके साथ माइनस 1.4608, उसके बाद प्लस 0.1051। तो ये मेरे पास जो आंसर आया है इसका एडिंग करने के बाद वो आया है माइनस 1.4161। अब मुझे ये लॉग उस तरफ लेके जाना है तो ये हो जाएगा एंटी लॉग, एंटी लॉग ऑफ माइनस 1.4161। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये एंटी लॉग लगा देना है, शिफ्ट लॉग को लगाएंगे, छोटा सा 10, मैंने पहले ही बताया था 1.4161। तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगी वो आएगी 0.038 and 361। दिस इज़ योर आंसर। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। चलें अब किसी और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलें अब हमने इसका एक और क्वेश्चन उठाएंगे इसी एक्सरसाइज का, और वो मैं क्वेश्चन नंबर उठा रहा हूँ 9, जस्ट टू गिव यू एन अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस। और वो मेरे पास है 86.2 and whole power 2, और उसी के साथ मेरे पास है 37.37 और उसके अपान में है 5, 9 and 1। सबसे पहले पहले मुझे ये चीज़ करनी होगी कि यहाँ पर हमने कहा था कि आपको x के इक्वल लेना है, x इज इक्वल्स टू 86.2 and square and 37.37 and upon में हम इसके देंगे 5, 9 and 1। जब हम ये चीज़ करेंगे तो हमने लॉग भी लेना है, लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू 87.2 and its square and 37.37 and 5, 9 and 1। तो सारी बात है, इसके भी हमें लॉग देना होगा, तो मैं दे देता हूँ लॉग एंड इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x। अब ये चीज़ है, सबसे पहले मेरा डिवीजन का फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, और वो फार्मूला क्या था, लॉग ऑफ a अपान b इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस फार्मूला को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या होगा, लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 86.2 और स्क्वायर, सबसे डिवीजन का फार्मूला पहले लगेगा 37 और माइनस लॉग ऑफ 5, 9, 1। अब यहाँ पर फिर मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास मल्टीप्लिकेशन भी है, तो मैं सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लगाऊंगा, और वो बीच में प्लस का होता है एज यू नो। तो लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 86.2 and its square and plus log of 37 and 37 minus log of
591। तो इसी तरीके से अब हमारे पास पावर का फार्मूला है, वो आपको बज़ाहिर देख लिख रहा हूँ। लॉग ऑफ ए पावर बी इज इक्वल्स टू बी लॉग ऑफ ए होगा। अब ये फार्मूला हम जब लिखेंगे, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, सबसे पहले हम टू उठाएंगे, आगे लेके आएंगे, टू लॉग ऑफ 86.2 और फिर प्लस लॉग ऑफ 37 और उसके साथ माइनस लॉग ऑफ 591। हमने ये लिख लिया। अब यहाँ पर हम इनके वैल्यूज़ निकालेंगे, तो लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू, तो सबसे पहले हम इसका वैल्यू निकालेंगे और वो वैल्यू क्या होगा, जब हम लॉग 86.2 रखेंगे तो मेरे पास जो वैल्यू है वो हो जाएगा 1.9355। फिर प्लस, फिर मैं निकालूँगा लॉग ऑफ 37.37, तो वो वैल्यू होगा 1.5725 माइनस, और यहाँ पर मेरे पास होगा लॉग ऑफ 591, तो ये होगा 2.7715। यहाँ पर अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहीं पर ही हम इसकी मल्टीप्लिकेशन ले लें, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1.9355, तो ये 3.871 होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 3.871। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले सीधी चीज़ है, यहाँ पर लॉग ऑफ एक्स लिखेंगे और लॉग ऑफ एक्स के बाद इन तीनों को हमने अपने कैलकुलेटर में कर देना है। 3.871 प्लस 1.5725 एंड माइनस, यहाँ पर होगा माइनस 2.7715। तो ये जो मेरे पास आंसर आया हुआ है 2.672। जब लॉग उस तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ 2.672। जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो वो क्या होगा, शिफ्ट लॉग और 2.672, दिस कुड बी इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू 469.89 एंड दिस इज़ आवर आंसर। मस्ट रिमेंबर, किताब में पीछे कभी कभार कुछ क्वेश्चंस के आंसर आगे पीछे हैं, तो आई थिंक सो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अब इसके बाद इसी टॉपिक के एक और वैल्यूज़ हैं जिनको हम निकालने क्वेश्चन करें। 3 एग्जांपल्स हमने आपको डिफरेंट करवाए हैं, आप एक्सरसाइज के दूसरे एग्जांपल करें, जो ना आए वो हमें बताइएगा। अब ये है, इसकी ही एक्सरसाइज का एक और टॉपिक है जिसमें वो क्या कहता है, चलें स्टेटमेंट फ्रॉम बुक देख देते हैं। मेरे पास बुक इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल फ़ोन में मौजूद है। वो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, कहता क्या है, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स कितने हैं इसके अंदर। हम आपको एक ही सवाल दिया दो करवाते हैं, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। 2 के ऊपर जब 12 हो तो इसके अंदर डिजिट कितने हैं। अब कैलकुलेटर के थ्रू नहीं करना, लॉगरिथम यूज़ करनी है। तो हमने क्या करना है, एक्स इज इक्वल्स टू 2/12, लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 2/12। तो पावर का फार्मूला सबसे पहले, तो पावर के मुताबिक ये 12 हमने आगे लेके आने हैं एंड लॉग ऑफ 2 निकालनी है। जब हम कैलकुलेटर में 12 इंटू लॉग ऑफ 2 निकालेंगे तो लॉग ऑफ 2 कुछ नहीं, जैसे हम करके आए हैं तो लॉग ऑफ 2 हमने निकालना है, लॉग ऑफ 2 दैट इज़ 0.0
1 to 12 and that is nothing but 0.301 and 02. और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.02 और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 12. अब लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो 3162 एंड समथिंग आंसर आया. जब भी आपके पास ये आंसर आएगा तो आपने याद करना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स ने पूछा था, जो भी नंबर हो 3 उसमें आपने हमेशा एक ऐड कर देना है, दिस कुड बी इक्वल्स टू 4. तो हम कहेंगे द नंबर ऑफ डिजिट्स, द नंबर, ये एक्सप्लेन करेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स हैं क्या, नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ डिजिट्स डिजिट्स इन 2 power 12 आर 4. अब ये है कि ये 2 power 12 में कैसे, तो इसका आंसर आता है हमारे पास 496. दीज आर द 4 डिजिट्स, ये हैं 4 डिजिट. तो हमने लॉगरिथम के थ्रू निकालना है और वो निकालने का तरीका ये है. सिर्फ आपने एक बात याद करनी है कि हमेशा इसमें एक प्लस कर देना है. सो आई थिंक सो आप लोगों को 3.6 बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है. और फिर हम चलते हैं इसके बाद चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन पर. तो वो क्या होती हैं उसे एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिकल सेंटेंसेस और थ्योरम के तरीके से चलते चलेंगे. थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब इट द चैनल, शेयर विथ योर at your social accounts to your followings, as it could be reached to the every person who are addicted to the coronavirus or their home, but they can continue their study. क्योंकि यहाँ पर बच्चों के अगर mathematics ऐसी चीज़ है कि आपके अगर practice में ना आए तो आप भूल जाएंगे, आपके methods भूल जाएंगे. मेथड्स के लिए आप लोगों को इसका आना बहुत ज़रूरी है. तो आई थिंक सो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से 3.6 समझ आ गई होगी. इसके बहुत सारे क्वेश्चन हमने लेफ्ट किए हैं, वो आप करके देखिएगा, अपनी बुक से आंसर मैच कीजिएगा और देखिएगा कि आप कहीं पे गलती कर रहे हैं. अगर आपको पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे नहीं भेजें, अगर आपको इसके आंसर्स जो आप निकालें वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग.